पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को हेलीपैड पर जिला अध्यक्ष बगदा के कारनामों का झेलना पड़ा विरोध। प्राकृतिक आपदा की भयावह स्थिति से गुजरने के बाद दतिया जिले के विभिन्न राजनीतिक दलों के सियासतदारों का वर्षा पीड़ित लोगों के बीच पहुंचने का सिलसिलेवार चल रहा है। सूबे के सरदार भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से लोगों के बीच पहुंचे, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हवाई दौरा कर दिया। हेलीपैड पर अपना उड़न खटोला उतारकर कलमकारों से मुखातिब होते हुए सरकार की वर्तमान कार्यशैली पर करारे हमले बोले। उन्होंने कहा कि घोषणावीर मुख्यमंत्री से मेरी अपील है कि यह वक्त घोषणा करने का नहीं है, पीड़ित लोगों को तत्काल राहत और स्थिति से निपटने का समय है। शासन प्रशासन के आला अधिकारी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सघन दौरा कर रहे हैं, परंतु समस्या का स्थायी समाधान किसी के पास नहीं है। आश्वासन समस्या का समाधान नहीं है, अब तक बाढ़ पीड़ित लोगों को आश्वासन ही मिल रहे हैं। भाजपा का भी आरोप है कि कांग्रेस अपना घर तो संभाल नहीं पाती, दूसरे की हमारे घर की चिंता ना करें। यहाँ दतिया में खास जो कांग्रेस के जो बीजेपी के नेता हैं, ये कैसे चुनाव जीतते और आगे चुनाव जीतने का कैसा प्रबंध कर रहे हैं, दबाने का फर्जी केस लगा लो, ये दतिया का तो खास राजधानी बन गई है इसकी। सर दबा के लेके जा रहे हैं, दबा के लेके जा रहे हैं सर, लोगों के पास जाना तो पहले के लिए है, काम करने के लिए फुल पुलिस ढह गए हैं, कुछ भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई इमदाद नहीं मिली है, ना खाने को मिल रहा है, कुछ मिल रहा है। अंत में जनता का बात, ना कमलनाथ की बात सुने, ना मुख्यमंत्री जी की बात सुने, मैं तो कह रहा हूँ जनता से पूछ लें, और मैं मीडिया से भी आग्रह करता हूँ कि आप जनता से पूछ लें जो प्रभावित है। सर एक क्वेश्चन, नरोत्तम जी लिफ्टिंग हो रहे हैं, लिफ्ट हो रहे हैं हेलीकॉप्टर से, क्या कहें? देखिए ये ड्रामा की राजनीति, कलाकारी की राजनीति, अब नरोत्तम जी इसमें तो माहिर हैं और ये सोचते हैं इस कलाकार और ये ड्रामा की राजनीति से वो अगला चुनाव जीत जाएंगे, ठीक है, अभी तो बाल बाल जीते। सर यह हालात है, उन्होंने कितने लोगों को दतिया में परेशान किया। सर जो कांग्रेस में सर अनुशासन की कमी है, क्या सर बीजेपी का आरोप? हमारे देखिए हर परिवार में कोई किसी से ज़्यादा नज़दीक होता है, कोई किसी से कम नज़दीक होता है, ये तो परिवार में होती है बात, बाप बेटी से ज़्यादा नज़दीक है, तो इसमें कोई विवादित स्थिति नहीं, इसमें कोई विवाद की बात नहीं, सबकी अपनी राय होती है और अच्छा है, सब अपनी राय रखे सामने, सर खराबी नहीं है। सर अन्न महोत्सव मना रहे हैं, आज अन्न उत्सव मन रहा है, प्रधानमंत्री जी फ्री राशन वितरण कर रहे हैं, परिवारों को दिया जा रहा है, आदिवासी दिवस नहीं मना रहे। मैंने आदिवासी दिवस की छुट्टी डिक्लेयर करी थी, पैसा दिया था कि वहाँ आप फंक्शन करिए, जो कोई ना कोई कार्यक्रम करिए हर जिले में। आज हमारा प्रदेश आदिवासी और ये कर रहे हैं अन्य मास दो दिन पहले, सब पहुंचा अन्य, ये हालत है, ये उत्सव बना रहे हैं, ये क्या उत्सव मनाने का समय है? सर ये भाजपा कांग्रेस तो परिवारवाद का आरोप लगा रही है, कह रहे हैं अगले नेता नकुलनाथ जी और जयवर्धन जी होंगे, परिवारवाद का ये आरोप लगाए। नकुलनाथ जी ऐसी कोई मध्य प्रदेश की राजनीति में कभी देते थे, ये भी आप जानते हैं, वो छिंदवाड़ा तक सीमित हैं, मैंने तो उनको कहीं दौरे में भेजा नहीं बिल्कुल, क्योंकि मैंने कहा कि ये सब पर राजनाथ सिंह का बेटा क्या है। कमलनाथ जी के आने पर आप अशोक दाई मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, क्या कारण है? हमारा ये कारण है कि हम नरोत्तम मिश्रा मंत्री मध्य प्रदेश शासन से कांग्रेस की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई लड़ने में हमारे कई कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं, लेकिन हमें उसका अफसोस बिल्कुल नहीं है। लेकिन वीर सावरकर जैसे जो कांग्रेस में भर्ती हो गए हैं, अशोक गांधी जैसे लोग, ये जब उनसे मिलकर उनके दलाल बनकर कांग्रेस के लोगों का मुकदमे दायर करवाते हैं, इसके लिए हमें बड़ा अफसोस है। आज हमारी मांग है कि कांग्रेस बचाओ, अशोक गांधी को भगाओ। चलिए बताना मुनासिब होगा कि जिला अध्यक्ष अशोक दांगी द्वारा कांग्रेस पदाधिकारियों पर प्रकरण दर्ज कराने को लेकर हेलीपैड पर अपने ही संगठन के लोगों की नारेबाजी का विरोध झेलना पड़ा। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता कमलनाथ समय से लगभग 40 मिनट पहले दतिया हेलीपैड पर पहुंचे। उनके साथ पूर्व मंत्री गोविंद सिंह, किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर आदि कांग्रेस नेता उनके साथ मौजूद थे। इस दौरान सैंवड़ा विधायक कुंवर घनश्याम सिंह, नाहर सिंह यादव, पंजाब सिंह यादव, दामोदर यादव, अजय शुक्ला, राम गुर्जर, नरेंद्र गुर्जर,
बी के नामदेव, अमरीश बाल्मीक, अशोक श्रीवास्तव आदि कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। दतिया से प्रशांत श्रीवास्तव की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे न्यूज, झांसी।